नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज़ लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, आज का मेरा मुद्दा है, जैसा मेरा एक सीरीज शुरू था वैसे विरार महानगर पालिका के भ्रष्टाचार की, तो आज का मेरा मुद्दा वही सीरीज अंतर्गत है। बीच के दिनों में मैंने कुछ सीरीज को वीडियो नहीं बनाया, उसके कारण थे कि मेरे पास जब तक कोई डॉक्यूमेंट न हो पुख्ता, मैं आगे बढ़ता नहीं हूं। तो आज मेरे पास पुख्ता डॉक्यूमेंट है और इस सीरीज का मैं अगला एपिसोड आज आपके लिए लेके आया हूं। तो इस सीरीज को अंत तक देखना, और ये सीरीज काफी, ये आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मामला जुड़ा हुआ है बोगस सीसीओसी से, जिससे कई लोग प्रभावित हो सकते हैं। तो मैं शुरू करता हूं। पिछले साल आपको मालूम है वैसे ही विरान अंतर्गत एक बहुत बड़ा मामला सामने आया था, बोगस ओसी और सीसी का मामला काफी गर्माया था, जिसमें विरार पुलिस स्टेशन द्वारा एक मामला उजागर किया गया था। एक एफआईआर जब विरार पुलिस स्टेशन में बोगस ओसी सीसी की गई, तब उसमें इन्वेस्टिगेशन में कई बिल्डिंगें बोगस ओसी सीसी के आधार पर बने होने की बात सामने आई, और उसमें वो जो लोग थे इस काम में शामिल थे, जो आरोपी, वो महानगर पालिका, सिडको, कलेक्टर ऑफिस, प्रांत ऑफिस, ऐसे अलग अलग कार्यालय के जाली लेटरहेड और जाली स्टैंप अपने पास में रखे हुए थे, और वो पूरा अपना वहां से एक सिंडिकेट चला रहे थे, और उसमें कई बिल्डिंग है। उस मामले में विरार पुलिस ने चार्जशीट भी फाइल की, जो हजारों पेज की चार्जशीट है। तो वो मामला था। उसके बाद में कहीं ना कहीं लोगों को ये लगा कि शायद वैसे विरार में जितनी जो इल्लीगल बिल्डिंगें थी या फेक दस्तावेज के सामने द्वारा बनाई गई बिल्डिंगें थी, वो अब खत्म हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है। आज का मामला जो है हमारे पास भी वही बोगस ओसीसीसी का मामला है। दरअसल ये मामला गए साल निकलने के बाद में मुझे ऐसी जानकारी मिली थी कि विरार के अगाशी में सर्वे नंबर 15 हिस्सा नंबर 1 पर बनी फीशा अपार्टमेंट नाम की बिल्डिंग, उसमें बोगस ओसी और सीसी का इस्तेमाल किया गया है। बोगस सीसी का इस्तेमाल कर वो बनाई गई है। तो सबसे पहले मैंने उसकी पुष्टि करने के लिए महानगर पालिका में आरटीआई फाइल की। महानगर पालिका से मैंने वो जो सीसी थी उसकी ओरिजिनल कॉपी मैंने निकाली। ये इसका प्लान है, इन्होंने ट्विशा अपार्टमेंट दिखाया हुआ है प्लान में, हिस्सा नंबर, ये भी बोगस प्लान है, और हम सीसी की कॉपी आपको बताएंगे। ये अगाशी ग्राम पंचायत का नाहरकत दाखला भी है इसमें। ध्रुव डी मेहता नाम के विकासक है, उन्होंने बनाई है, मुद्रा बिल्डर्स। इन्होंने सिडको, इन्होंने जो सीसी लगाई है वो सीसी है सिडको /VVSR/SR/BP-3814W 18/1/2008। जबकि यह सीसी मैंने महानगर पालिका से निकाली, तो महानगर पालिका में सिडको VVSR/SR/6P-3814W यह सीसी है गोखीवरे गांव की, जहां गोखीवरे में गाले और वो बनाए गए हैं। तो ये सीसी है गोखीवरे की, इसको दिखाया गया है वहां ट्विशा अपार्टमेंट के लिए। तो ये सीसी मैंने जब हासिल की, मुझे कंफर्मेशन हो गया कि ये बोगस सीसी का मामला है। मैंने महानगर पालिका में मेल के माध्यम से और हार्ड कॉपी भेजकर महानगर पालिका में मैंने इसकी शिकायत की कि यह बोगस सीसी का मामला है, आप अपने तरीके से इसकी जांच पड़ताल कीजिए और कानूनी कार्रवाई कीजिए। तब महानगर पालिका ने कई दिनों तक उस पर, मैंने 8 फरवरी 2024 को ये शिकायत की थी मेल के द्वारा, कई दिनों तक इन्होंने नहीं की। फिर बाद में फॉलोअप करने पर इन्होंने चौथे महीने में, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, चौथे महीने में MRTP 3/4/2024 को कागज पत्र सादर करो का नोटिस भेजा, जो आपकी स्क्रीन पर है। 3/4/2024 को कागज पत्र सादर करो, 7 दिन का समय दिया था, लेकिन 1.5-2 महीने निकल जाने के बाद भी कुछ इनकी तरफ से रिप्लाई नहीं आया और मुझे भी कुछ जानकारी नहीं मिली। तो मैंने उसके ऊपर माहिती अधिकार से उसकी जानकारी मांगी। मैंने जब माहिती अधिकार से जानकारी मांगी, तो महानगर पालिका ने मुझे 3 मुद्दे थे, उसमें से सीधा यह जवाब दिया कि ऐसा कोई दस्तावेज हमारे पास में उपलब्ध नहीं है। सदर मुद्दा तिल असलेली अतिक्रमण व अनधिकृत बांधकाम विभाग तिल माहिती शोध घेतला असता माहिती आढळून येत नाही। मतलब इन्होंने वो नोटिस निकाला, उसके बावजूद, उसके बाद 7 दिन के दरमियान में सामने वाले को, जो बिल्डर है उसको बिल्डिंग संबंधी
दस्तावेज पेश करने थे लेकिन उसने नहीं किए, तो महानगर पालिका ने अपनी तरफ से कोई कार्यवाही नहीं की। जबकि नियम कायदा ऐसा बोलता है कि जब कागज पत्र सादर करो नोटिस का जवाब नहीं दिया जाता है तो उसके बाद MRTP नोटिस निकाला जाना चाहिए। फिर मैंने फॉलोअप किया तो महानगर पालिका ने MRTP नोटिस निकाला, वो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, छठे महीने में 21 जून को, 21 अप्रैल को, बीच में दुहाई गई दी गई कि इलेक्शन है, अभी बिजी है, इलेक्शन है, बिजी है, ऐसा कहा गया। तो लोकसभा चुनाव होते उसके हिसाब से 21 जून को इन्होंने MRTP नोटिस निकाला। MRTP नोटिस में बकायदा जो जो कलम है उसका सबका विवरण है, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। और उसमें यह कहा कि एक महीने के अंदर आप अपने पास जो भी दस्तावेज वो जमा कराए, नहीं तो कायदेशीर कार्यवाही की जाएगी, आपके ऊपर गुनाह दाखिल किया जाएगा। अब ये जून, 21 जून के बाद भी 21 जुलाई, 21 अगस्त और अब 21 सितंबर आने वाला है, करीब करीब 3 महीने होने को आए। ये ट्विशा अपार्टमेंट से जुड़ा कोई दस्तावेज मेरी जानकारी में अब तक महानगर पालिका को नहीं मिला है। इस नोटिस के ऊपर इन्होंने कोई रिप्लाई महानगर पालिका को नहीं किया है, लेकिन महानगर पालिका चुपचाप बैठी है, कोई कार्यवाही नहीं कर रही। जैसा कि नोटिस देने के एक महीने बाद FIR दर्ज करवानी चाहिए, इन्होंने FIR दर्ज नहीं करवाई है। हर बार टालम टोल किया जाता है, हाँ आज ये प्रॉब्लम है, आज हम बाहर है, आज इस तरह से ये है, आज ये कार्यक्रम है महानगर पालिका द्वारा। इस तरह से सहायक आयुक्त जो है जिनका अभी अभी प्रमोशन हुआ है, शशिकांत पाटिल, वो हमेशा टालम टोल करते हैं। और इंजीनियर महेश शिरीषकर, वो अपनी जो भी मजबूरी आए कि हमारे साहब नहीं है, साहब के सिग्नेचर से ये, तो ऐसे दिखाकर ये लोग टालम टोल करके उस पर कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। यहां तक कि मैं मुख्यालय गया था, वहां से मुख्यालय से वरिष्ठ अधिकारी को मैंने बात की, उन्होंने खुद फोन करके फोन पर आदेश दिया कि इस पर बोगस सीसी का मामला है, तुरंत त्वरित एक्शन लिया जाए, लेकिन अब तक मेरी जानकारी में FIR दर्ज होने की जानकारी नहीं मिल पाई। तो ये है इनका भ्रष्टाचार, क्योंकि जब इतने दस्तावेज आपके पास है और सब कुछ सामने दिखाई दे रहा है उसके बावजूद भी कार्यवाही नहीं हो रही है, तो सीधा सीधा ये भ्रष्टाचार का मामला है। इनका हित संबंध कुछ ना कुछ है ऐसा दिखाई पड़ रहा है, या तो कोई मजबूरी है या हित संबंध है, दोनों में से एक कोई चीज है। और यहां अपनी ड्यूटी करने के लिए कोई मजबूरी नहीं होती सरकारी अधिकारी को, उनको ड्यूटी करना है तो करना ही है, और हित संबंध है तो फिर भ्रष्टाचार है, सीधी बात है। तो मैं महानगर पालिका आयुक्त से यही एक निवेदन करना चाहूंगा कि आयुक्त बड़ी बड़ी बातें करते हैं और प्रशासन को अच्छे से चलाने की बात करते हैं, लेकिन उनका प्रशासन किस तरह से चल रहा है ये उन्हें झांकना चाहिए, अपने अधिकारियों को पूछना चाहिए कि इस तरह की शिकायतें आती है तो उस पर आप क्या कार्यवाही करते हैं। जो मैंने कहा पहले कि पिछले साल इतना बड़ा, काफी बड़ा मामला हुआ था, हजारों पेज की चार्जशीट उसमें न्यायालय में प्रस्तुत की जा चुकी है, तो ऐसी ये ट्विशा अपार्टमेंट जैसी अभी और कितनी बिल्डिंगें हैं जिनके OC या CC फेक है, जिनके दस्तावेज फेक है, ये बड़ा सवाल है अभी इस समय। तो मेरे आज की सीरीज का ये वीडियो यहीं पे खत्म करना चाहूंगा, आपने अंत तक देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट में हमें जरूर बताइए। आज के लिए अभी के लिए इतना ही, नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।